पुलिस की गाड़ी आई, उसने हाथ दिया ओवरटेक करने के लिए, तो मैंने उसको रास्ता जाने दिया। फिर मैं पीछे आया तो उसके पीछे एक और गाड़ी थी, काले कलर की गया गाड़ी। अच्छा। तो वो बहस करने लगा, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, यहाँ के गाड़ी रोक दी पीछे मेरे, मैंने गाड़ी रोकी, फिर मुझसे बहस करता रहा, फिर उसने मुझे से हाथापाई की गाली कलर। कवि कुमार विश्वास को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, उनकी वीआईपी सुरक्षा यूनिट में तैनात सीआरपीएफ कमांडो और जवानों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ ने ये एक्शन दो दिन पहले रोड रेस की घटना के बाद दिया है। सुरक्षा एजेंसी ने दूसरे कमांडो बैच की तैनाती की है। दरअसल मामला यूपी के गाजियाबाद का था। घटना 8 नवंबर को उस समय हुई थी जब कुमार विश्वास गाजियाबाद से अलीगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। एक डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि कुछ उनके सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की है। वहीं कुमार विश्वास की टीम की तरफ से भी थाने में शिकायत की गई थी। उनके काफिले में एक कार घुस गई है और उनके वाहनों को टक्कर मारने की कोशिश की गई। सुरक्षा बलों ने विरोध किया तो कार चालक ने हमला कर दिया। हालांकि शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने कहा था कि हमले के आरोप साबित नहीं हुए हैं। अब रोड रेस की घटना के बाद कुमार विश्वास की वीआईपी सुरक्षा में तैनात 3 सीआरपीएफ जवानों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उनकी जगह कमांडो की एक दूसरी टीम ने ले ली है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि पूरी जांच होने के बाद घटना के सही तथ्य सामने आएंगे। सीआरपीएफ ने घटना के बारे में रिकॉर्ड किए गए कुछ वीडियो और कथित पीड़ित और इसमें शामिल सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिए गए शुरुआती बयानों के आधार पर एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी तैयार की है। इसे कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और कुमार विश्वास के साथ भी साझा किया जाएगा। आपको बता दें कि कुमार विश्वास के सुरक्षा कर्मियों के अलावा बाद में कथित पीड़ित डॉक्टर पल्लव वाजपेयी ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस में शिकायत की थी। वाजपेयी ने भी आरोप लगाया कि उनके वाहन को टक्कर मारी गई और फिर कुमार विश्वास के सुरक्षा कर्मियों ने उन पर हमला किया। वहीं कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस शिकायत उनकी सुरक्षा टीम की तरफ से दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि हालांकि वो डॉक्टर के लिए परेशानी का कारण नहीं थे, फिर भी वो उनसे माफी मांगेंगे। बताते चले कि सीआरपीएफ वीआईपी सुरक्षा विंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत 170 से ज्यादा लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।